सो हे गाइस, कैसे हो आप सारे? गुड मॉर्निंग गाइस। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ब्लॉग ऐसे स्टार्ट क्यों किया है। एक प्रॉब्लम हो गई है, जैसे ही मैं उठा तो दीदी का कॉल आया, दीदी का एक्सीडेंट हुआ है तो गाड़ी लॉस हो गई है। तो अभी हम उसके पास जा रहे और डायरेक्ट उठते ही हम निकल गए घर से, इसलिए मैंने रात में से ब्लॉग स्टार्ट करा। सो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या हुआ है। अभी जाते दीदी की गाड़ी कितनी लॉस हुई है वो देखना है, इसलिए मैंने रास्ते से स्टार्ट कर दी। मैं सोचा आपको भी दिखाऊं क्या लॉस हुआ है गाड़ी में, दीदी को लगी है कि नहीं ये भी नहीं पता है, जाकर देखते हैं क्या सीन है। इस गाड़ी आ चुकी है, दीदी को मैंने भेज दिया, मैंने बोला तू घर जा, बस थोड़ा सा लॉस हुआ है, कोई ठोक के चले गया लड़का ही था, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ गाड़ी का, बस स्टेयरिंग आना हो गया और यहाँ पर 2-3 गो गया है और ये अंदर बैठ गया है, तो ये हिल रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। जाते अभी बनवाते हैं, अभी मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ दो गाड़ी और मैं अकेला हूँ कैसे ले जाऊँ, तो पहले ये गाड़ी को ले जाते हैं फिर वो गाड़ी को ले जाएंगे। तो चलो गाइज, इसको पहले गैरेज पर डाल देते बनने। ये भाई को गाड़ी दे दिए, इनके बड़े भाई है वो बनाएंगे गाड़ी को। भाई ध्यान से बनवा देना ठीक है। चलो मैं अपनी गाड़ी, ये गाड़ी बन जाएगी तो अभी हम चलते हमारे घर। सो गाड़ी गैरेज वाले भैया को दे दी हमने, बहुत अच्छी बात है कि गाड़ी का ज़्यादा लॉस नहीं हुआ और दीदी को भी लगी नहीं है। तो अभी हम घर जा रहे हैं गाइस, घर जाके मम्मी को बोलते हैं, मम्मी टेंशन वाली बात नहीं है, दीदी को लगी नहीं है। उनके भी कब से कॉल आ रहे हैं बट मैं उठाया नहीं, दीदी पास खड़ा था इसलिए, तो दीदी को लगी नहीं है जरा भी और गाड़ी का भी ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। तो अभी जा रहे हैं हम घर, घर जाके मम्मी को बोलते हैं, मम्मी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, मैंने गाड़ी बनने भी दे दी है। तो चलो अभी घर चलते हैं। क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ मम्मी, ज्यादा गाड़ी ठुकी नहीं। किसने ये आरिफ में डाल दी मैंने गाड़ी, वो आगे से थोड़ा सा वो आता है ना गेप, अरे ठुक जाती है तो थोड़ा सा कैसा गोवा आ जाता है, बस इतना सा आया और कुछ भी नहीं हुआ गाड़ी में। चलाने में साइड मार रही है। वो बोला मैंने साइड मार, हल्की सी साइड मार रही है, तो आरिफ ने बोला एक मिनट का काम है तो हो जाएगा, पर सोनू रुकी नहीं, चले गई वो। तो देखो अब क्या होता है, बनवाने डाल दिए। हाँ ठीक है। तो गाइज अभी तो हम घर आ चुके, अब कुछ नहीं, अब फ्रेश होएंगे, नाश्ता भी नहीं किया, मैं नाश्ता कर लूंगा, नहाकर रेडी होता हूँ फिर डायरेक्ट मैं आपसे मिलता हूँ, फिर जो काम है वो भी पता लेता हूँ मैं, मेरे 2-3 काम, नहाकर मेरे को जाना है एटीएम से पैसे वैसे निकालने, वो सब काम पताने, मेरी सिस्टर के घर कुछ मम्मी ने नाश्ता वास्ता दिया है वो नाश्ता देने जाना है, तो अभी ये सब काम पता लेंगे पर पहले नहाएंगे, नहाकर ये सब काम बताएंगे। तो चलो अभी नहाकर आते हैं। गाइज रेडी हो चुके हम, कंप्लीट रेडी हो चुके, तो अभी जाएंगे बाहर। बाहर जाने से पहले मम्मी का काम एक बताना है, एटीएम से पैसे निकालने, मैंने आपको पहले भी बताया एटीएम से पैसे निकालने, देन मेरी सिस्टर के घर पे जाना है कुछ नाश्ता वगैरह देने। तो अभी हम चलते पहले एटीएम से पैसा निकालते, बाहर जाकर जो भी करते आपको दिखाते। गाइज एटीएम ले लिए दोनों, इन दोनों में से पैसे निकालने, तो चलो अभी चलते एटीएम। ओए ए नाया, क्या कर रही है? इधर तो देख, इधर तो देख, बोलना गाइस। एटीएम आ चुके, आए एसी चल रही है, फ्री की ठंडी। तो गाइस एटीएम से पैसे निकालते अब। गाइस इसमें पैसे नहीं है दोनों में, तो मुंह उठा के जाना पड़ेगा हमको रिटर्न दूसरे एटीएम में, तो चलो अब दूसरे एटीएम में चलते हैं। दूसरे एटीएम आ चुके गाइस, नसीब खराब, इस एटीएम में भी पैसे नहीं है, तो अब जा रहे दूसरे एटीएम में। तीसरे एटीएम आ चुके कोटक के, यहाँ से भी पैसा निकलता है कि नहीं देखो। गाइस नसीब इतने ख़राब है, मेरी बारी आते ही एटीएम में पैसे ख़त्म हो गए, अब जाएंगे दूसरे एटीएम। हमारी यूनियन की ब्रांच के एटीएम में आ गए, यूनियन की ब्रांच है, अभी इसमें पैसे हो तो अच्छा, ट्राई करते हैं। अभी गाइस सारे एटीएम जाके आ गए बट कहीं से पैसे नहीं निकले, आज नसीब ख़राब थी, तो अब मैं जाऊँगा 1-2 घंटे बाद जाऊँगा निकालने, अभी नहीं निकालने चाहूँगा, अब मैं बोर हो गया इतनी जगह जा जाकर, तो अब जो भी करता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। गाइज इससे पहले कि मैं बाहर जाता, मौसम ने अपना रंग बदल लिया, बारिश आने लगी, तो अभी हम साइड में खड़े, यहाँ एक अंकल की शॉप है यहाँ साइड में खड़े, थोड़ी सी कम होती है तो जाते हम। मम्मी का कॉल आ गया कि एक और काम है, दीदी के वहाँ जो देना था वो तो देना भूल गया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि दीदी के वहाँ कुछ सामान देना है,
तो अभी वो सामान दे दे वे दीदी को, देन हम हमारी गाड़ी देखने जाएंगे जो बनने डाली सुबह। वो गाड़ी कंप्लीट हो गई होगी तो वो गाड़ी को भी घर रख देंगे। तो अभी चलो, ये बारिश थोड़ी रुकती है फिर हम बाहर निकलते हैं। गाइस बारिश तो रुक नहीं रही है तो हम बिकते बिकते घर जा रहे हैं, घर जाकर काम बता लेते नहीं तो मम्मी बहुत सुनाएंगे, क्योंकि मम्मी ने बोला था और मैं भूल गया। बारिश तेज हो रही है धीरे धीरे। गाइस मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ बिकॉज पानी में भीग रहा है फोन, तो मैं घर जाकर आपसे बात करता हूँ। गाइस मैं घर तो आ गया बट मेरी मम्मी बोल रही कि पहले वो सब काम बाद में करना दीदी के वहाँ जाने के। बोला मैं भी कर लूंगी बट तू जाके पहले एटीएम से पैसे निकाल गया, क्योंकि मम्मी को एटीएम से पैसे निकालते नहीं आते। तो मैं निकालने तो जा रहा हूँ बिकॉज उनको कैश पैसों की जरूरत है। तो अभी चलते हैं हम एटीएम से पैसे निकालते, मिल जाए तो अच्छा। चलो चलते पहले क्या होता है आगे अब देख लो। गाइस पैसे तो निकल गए, चलो अब चलते घर मम्मी को दे देते, लेट्स गो। गाइस घूमने के लिए मौसम इतना अच्छा है ना बट बारिश ना है। वीडियो बनाने के लिए तो है ही नहीं बिकॉज कहीं से भी धूप नहीं आ रही और बारिश भी नहीं आए, मौसम ऐसा ही रहे ना तो कसम से घूमने का इतना मजा है कि क्या बताऊँ। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये छोटे छोटे पानी के बूंद गिर रहे मेरे ऊपर, वो चले बट ज़्यादा जोर से आती है तो फिर माहौल ख़राब हो जाता है। तो अभी चलो हम चल रहे घर, घर जाके पैसे दे देते मम्मी को, देन हम जाते आसिक पास। लेट्स गो गाइस, आसिक पास चलेंगे फिर। थैंक यू सो मच 50 कमेंट्स कराने के लिए। चाय पिला दे, देख भाई देखा नहीं मैंने, पर देख पढ़ देख फोन देख ले, 60 प्लस है। नहीं कमेंट्स का कल टारगेट रखा था, अगर 50 कमेंट आई एसी की आफरीदी चाय पिलाएगा तो ये पिलाएगा। आशिक भाई सल्लू भाई चाय पिलाओ। नाम है रियल नेम और ऐसे इंस्टा पे लकी नाम से जानते हैं, आशिक नाम नहीं है वो, बस ऐसे ही मस्ती करते हैं हम लोग। कोल्ड कॉफी ना चाह का थी, कोल्ड कॉफी थी। चलो चलते हैं गाइस, तुमने क्या स्कैम कर दिया हमारे साथ, आज फिर कुछ टारगेट दूंगा और सल्लू भाई के लिए अपने कुछ करेंगे, देखते चलो चलो। आज फिर फंस गया गाइस। ओ गाइस टकला सागर आ गया। गाइस हम लोग यहाँ डैम पास आए, एक सूट की क्लिप लेनी थी मुफी को, वो खड़ा बहुत दूर खड़े, वो लोग नहीं दिखेंगे। तो ये टकला सागर कहाँ जा रहा है? अच्छा सूट करना है तुझे। तो गाइस देखो लोकेशन ये मस्त डैम, ये डैम पास है, यहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, पुलिस वाले आते तो दौड़ा लेते, बट अच्छा लगता है यहाँ पे आना, पूरा खेतर गांव वाली फीलिंग आती है, विलेज फीलिंग। चलो चलते उन लोग पास, वो खड़े वो लोग। गाइस सच्ची यहाँ पर आकर मुझे मेरे विलेज की याद आ गई, मेरे गांव की जो यूपी में हैगा, वहाँ पर भी ऐसे ही खेत है, बहुत अच्छा लगता है घूमना विलेज में। अगर आप भी विलेज से अगर मेरा व्लॉग देख रहे हो तो आप समझ सकते हो कि आपको कैसी फीलिंग आती है यार, सब कुछ अच्छा लगता है, मतलब एकदम शुद्ध हवा, सुकून, चिड़िया की थोड़ी थोड़ी आवाज़ जो अभी भी बैकग्राउंड में आ रही होगी, आपको सुकून मिलता है सब देख के, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज अगर आप भी विलेज से हो तो कमेंट करके बताना कौन से विलेज से हो, कौन सी जगह से हो, सब बताना। तो अभी वो लोग वहाँ पर शूट कर रहे, हम लोग चलते हैं उनके पास, क्या शूट कर रहे चलो देखते हैं। ज्यादा बोला तो फेंक दूंगा नीचे, दिखा यहाँ कैसा सीन है, मस्त है ना, अच्छा लगता है यहाँ पे आके, वही डैम देख वहाँ डुबाऊंगा। गाइस वीडियो शूट चल रहा है भाई का, चाय पिला दे। कब पिलाएगा? ठीक है आफरीदी की चाय, आफरीदी भाई की चाय, आसिक मेरा दोस्त। आसिक ही में जिंदगी खराब है गाइस, हमें तो बच जाता भी जा। गाइस अपनी मॉर्निंग वाली गाड़ी रेडी हो चुकी है, यहाँ पर गोबे थे सारे उठा दिए भाई ने, पर भाई ने देने में बहुत देर करी, वो जा रहे ना बांडिया भाई, तो उन्होंने करा, तो ये हो गई है गाड़ी कंप्लीट। तो अब इसको घर दे देंगे दीदी को, पूरी कंप्लीट हो गई है, स्टेयरिंग भी सीधा कर दिया आना था जो, और ये गोबे थे अब लग नहीं रहेगा, कुछ था पहले तो सब ओके हो चुका है, तो बस ये गाड़ी को अब घर रख देते हैं। ये लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे क्या चल रहा है इनका,
मुंबई ब्लॉक कर देंगे, दिल्ली ब्लॉक कर देंगे, चल रहा है। और हम हमारी गाड़ी लेके अब घर जाएंगे। लेट्स गो गाइस। गाइस गाड़ी डन हो चुकी है, जो सुबह एक्सीडेंट हुई थी गाड़ी उसको कंप्लीट करा लिया हमने। अब दीदी कल जॉब पे ले जा सकते, तो अभी हम घर जाते हैं, गाड़ी मम्मी को दे देते, मम्मी को बोल देते मम्मी इसको ठीक करा ली मैंने, फिर हम चलते बाहर वापस। आसिक पीछे आसिक ही करते करते आ रहा है मेरी दूसरी गाड़ी लेके, तो वो आ रहा है और हम लोग घर पे गाड़ी रख देते, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। इस घर आ चुके हम, मम्मी गाड़ी बन गई। गाइस गाड़ी बन चुकी है, तो मुझे ये कपड़े में थोड़ी सी गर्मी लग रही है, कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो मैं एक मिनट में चेंज करके आया। चेंज कर लिया है गाइस, चलो अब चलते बाहर। गाइस हम बाहर तो नहीं जा रहे, पर घर में आराम फरमा रहे आफरीदी भाई के साथ। अभी हमने चाय पी वापिस, बट मेरी मम्मी के आती फोन आ गया। ये गाइस फोन आप देख सकते हो। नहीं अभी महीनों भाई हो, अभी तो ठीक है, कपड़े दिखाएंगे। अभी तो ठीक है, ये वाला सही है, ब्लैक शर्ट, ये साड़ा कपड़े बता रहा हूँ, ये कंप्लीट है, ये वाला ही जुड़ी हो गया। हाँ ब्लू वाइट, ये शर्ट ब्लू वाइट है, सही है, सही लग रहा है। पर ऐसा गाइस बहुत थका थका फील हो रहा है, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। बाहर सीन ऐसा है, थोड़ी बहुत बारिश आ रही है और कीचड़ काचड़ बहुत, थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुए तो बाहर निकलेंगे, पर पैंट थोड़ी फिट है। अभी ये डिस्कस कर रहा है फोन पे, शर्ट सही है, पैंट थोड़ा फिट है, वो लूज ले अगर हो तो। वो फ्रेंड को कपड़े बता रहा है ठीक लग रहे या नहीं लग रहे, पैंट 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 जो तूने पहन रखी है ना, तभी कुछ समझ नहीं आ रहा करेगा, तो हम आराम पर मारे घर में चिपकी हुई है, वो थोड़ी अजीब लग रही है मेरे घर में बैठे। 950 की पैंट खरीद के लाया मैं, पर बहुत फिट लग रही है, देखा मैंने शर्ट जैसे, मतलब लूज है ना इसीलिए। गाइस आज का दिन हमारा खत्म हुआ, घर में हमने एंड करने का सोच लिया है व्लॉग, बिकॉज बाहर बारिश आ रही है, कीचड़ है, कहीं जाने का दिल नहीं हो रहा, थोड़ा इरिटेट भी हो रहा है कि बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ मैं, तो इसलिए घर में सोच रहा हूँ मैं अब सो जाऊँगा या फिर व्लॉग एडिट करूँगा। तो अभी चलो कुछ नहीं गाइस, कल के व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, और कौन सा पार्ट अच्छा लगा उस पर कमेंट जरूर मानना। और गाइस जैसे कि थैंक यू सो मच, 50 कमेंट्स हमारी तो मुझे मिली एक चाय पीने, तो गाइस सच्ची में लव यू, दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ मैं आपको कि आप इतना सपोर्ट दिखाते, इतना प्यार दिखाते। आफरीदी को आज 20-30 रुपए की टोपी आ गई तो अब कुछ नहीं गाइस, मिलते कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।